करवा चौथ का व्रत, जाने सही डेट और सही समय, चांद की टाइमिंग। जी हाँ, हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त और कथाएं। जी हाँ, करवा चौथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जरा व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का भी व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ की तिथि जान लेते हैं। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:40 के बाद शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। जी हाँ, 4:16 पर समापन होगा। करवा चौथ शुभ मुहूर्त, करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:55 से लेकर 2:45 तक रहेगा। करवा चौथ चंद्रोदय, करवा चौथ चांद पर निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। करवा चौथ और पूजन विधि और सामग्री, करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय उनको गंगा जल, धूप दीप, अक्षत, रोली, फूल, चंदन, माला आदि समर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा उदय होने की रास्ता देखी जाती है। उसके बाद पति के हाथों से उपवास को तोड़ा जाता है। करवा चौथ की मान्यताएं और कथाएं, करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथाएं की अलग अलग मान्यता होती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे खाना खाने आए तो उसने अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना और उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे में सातो भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकल आया है। तो बहन ने अग्नि को चांद मारकर अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। कुछ समय बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों का छल पता चला तो उसने वापस से गणेश भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की। अनजाने में खुद से हुई भूल क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया और घर में धन धान्य वापस आ गया। तो कुछ इस प्रकार से थी करवा चौथ की कथाएं, करवा चौथ की पूजन विधि, करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय, करवा चौथ की तिथि और भी बहुत कुछ।